हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगने के मामले में धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस ने शहीद स्मारक धर्मशाला के गेट के बाहर गुरपंतवंत पन्नू का पुतला जलाया, साथ ही खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कड़ा आक्रोश जताया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में प्रदेश की सत्तासीन भाजपा सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल खड़े किए। इसकी वजह साफ है, हिमाचल की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल में खालिस्तान के नारे लगाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल की जनता देवभूमि, हिमाचल की जो है वो इस देवभूमि को शर्मसार करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर से विरोध करती है। क्या लगता है किस वजह से ऐसा हो रहा है और इसके जो विरोध में? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। मुझे तो सरकार की मंशा पर भी संशय होता है। अभी हाल ही में पेपर लीक मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, हर जगह ये फेल नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी, हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसमें खालिस्तान के लिए ही अपनी शहीदी दी थी, तो भारत देश एक अखंड, कांग्रेस पार्टी ने एक अखंड भारत देश का सपना देखा था और इस भारत देश की अखंडता और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर प्रयास में रहती है। ये पुतला जो है, ये गुरुवंत सिंह पुन्नू जी का पुतला जलाया गया है। वो ये सिख मुहिम है कोई खालिस्तान के लिए, उसका संचालक है। हमारी ओर से सरकार से, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे हिमाचल की सरकार हो, इनसे ये दरख्वास्त है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो ट्रेस आउट करके जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार की पकड़ ही नहीं है, उनको ऐसे सोई हुई सरकार है। कभी भी कोई भी हादसा, चाहे आप पेपर लीक का मामला देख लो, चाहे अभी पुलिस की भर्ती, हमारे नौजवान साथी बेचारे आगे ही बेरोजगारी का हाल खराब है। इस सरकार में जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है। कई कारण हैं इसके, फिर भी ये सरकार जो है वो मेरी हर प्रकार से विफल सरकार, मैं इसको बोलूंगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट।